नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव राजपूत आपके अपने YouTube चैनल GPS स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो टॉपिक है रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू, इसको लेके आया हूं और इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं कुछ ही क्षणों में देखते ही आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये मेथड आपको मैं बताता हूं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें कि ठू के स्थान पर, ठू के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं, अगला पॉइंट टू के स्थान पर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट, यदि सब्जेक्ट भेजानदार है और टू के साथ बी दिया है तो सब्जेक्ट के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट भेजानदार है और टू के साथ बी दिया है तो सब्जेक्ट के स्थान पर इट लगाते हैं। नेक्स्ट, सब्जेक्ट भेजानदार है, सब्जेक्ट बेजानदार है और टू के साथ बी नहीं है तब सब्जेक्ट के स्थान पर वन का प्रयोग करते हैं और इट अंत में लगाते हैं। अब यहां मैं आपको कुछ उदाहरण के द्वारा दर्शाता हूं, जैसे He is too old to walk. अब देखिए, तो he is too की जगह हम क्या लगाएंगे, so old। अब too की जगह क्या लगाना है हमको, that plus subject, subject हमारा ही है तो ही हो जाएगा, tense या present का है इसलिए यहाँ पे cannot हो जाएगा और आपका वॉक हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, टी इज टू हॉट टू बी ड्रिंक। अब यहां देखते हैं वही रूल चलेगा हमारा, टू के स्थान पे हमें सो लगाना है, हॉट का हॉट लाना है। अब देखना है टी यहां पे बेजानदार है और टू के साथ बी दिया हुआ है इसलिए दैट के बाद सब्जेक्ट के स्थान पर हम इट का प्रयोग करेंगे और इज यहाँ प्रेजेंट टेंस है इसलिए कैन नॉट बी ड्रिंक हो जाएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, इसी को हम दूसरे रूप में लेते हैं, टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। अब यहाँ डिफरेंस इतना है
कि यहाँ पे टू के साथ बी है और यहाँ पे केवल टू है। जब केवल टू होता है और सब्जेक्ट वेजानदार होता है तो टू टी इज सो हॉट दैट, तब सब्जेक्ट की जगह हम वन का प्रयोग करते हैं। तो वन कैन नॉट ड्रिंक, अब इट जब सब्जेक्ट बेजानदार है और टू के साथ भी नहीं है तो इट कहाँ पहुंच जाएगा, लास्ट में। अब अगला उदाहरण देखते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल कि कभी कभी क्या होता है, फॉर करके कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है, जैसे दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। अब देखते हैं यहां पे ये फॉर के बाद ऑब्जेक्ट दिया है और यहां पे इन्फिनिटिव का टू भी दिया है, तो ऐसे कंडीशन में हम किस तरीके से बनाएंगे, तो दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट, अब फॉर मी को सब्जेक्ट में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट सॉल्व। अब यहां जो सब्जेक्ट है वो बेजानदार है इसलिए इट कहां पहुंच जाएगा, लास्ट में पहुंच जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि केवल वाक्य में टू होता है और टू नहीं होता, जैसे द वाटर ऑफ गंगा, द वाटर ऑफ गंगा इज टू प्योर। अब देखते हैं तो द वाटर ऑफ गंगा इज, अब ऐसी कंडीशन में केवल टू हो और इन्फिनिटिव का टू नहीं दिया हो तो ऐसी कंडीशन में हम वेरी लगा सकते हैं, ओवर लगा सकते हैं, एक्सट्रीमली लगा सकते हैं, एक्सेसिवली लगा सकते हैं, तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वेरी प्योर कर सकते हैं, या चाहे तो एक्सट्रीमली extremely एक्सट्रीमली प्योर भी कर सकते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट प्योर कर सकते हैं, एक्सेसिवली प्योर कर सकते हैं। इस तरीके से हम ये हमने आपको एडवर्ब जो टू का रिमूविंग है वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मैंने आपको इन उदाहरण के द्वारा समझा दिया कि किस तरीके से देखते ही हम इन सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास नई नई जो वीडियो पढ़ रही हैं वो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपके पास आती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।